Assalamualaikum dear students, our fashion brand world best friend, the name of trust. आज हम बनाने वाले हैं वो है मिक्की माउस शॉपिंग बैग। तो हमारा मिक्की माउस शॉपिंग बैग कुछ इस तरीके का है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक कार्डबोर्ड पेपर, फुल कार्डबोर्ड पेपर चाहिए 50x50 सेंटीमीटर का। उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ब्लैक कार्डबोर्ड पेपर को, जैसे कि आप हमको वीडियो में दिखा रहे हैं। आधा आधा दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है। इसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है वन साइड से, और अब हम इसे ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। दूसरे पार्ट को हम इससे ज्वाइन कर देंगे, ग्लू की हेल्प से हम इसे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब हम इसका ये वाला साइड लेंगे, उसे भी कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अच्छी तरीके से। हम बिल्कुल फोल्ड करना है। ये जो हमारे साइड से ये हमें 10 सेंटीमीटर तक फोल्ड करना है ताकि हमारा शॉपिंग बैग अच्छा बने। ये हमारे शॉपिंग बैग का नीचे का पार्ट है। दोनों साइड हमारी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड करिएगा आप हमारी तरह। दोनों साइड्स आपको बराबर की और सेम लेनी है, कुछ इस तरीके से फोल्ड करा है हमने और इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। दोनों साइड्स को हमने कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। इसे हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे बेग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने इसे साइड से कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। हम दो कोनों को बराबर मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, हमें दो कोनों को बराबर मिलाना है। अब हमने इन दो कोनों को बिल्कुल बराबर मिलाया है और बिल्कुल सेम मिलाया है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। और ये हमारे बैग का नीचे वाला साइड बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। अब हमारे बैग की जो ये वाली लाइन है उसे हम अंदर की तरफ से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। हमने इसे अंदर से कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि हमारे बैग का शेप अच्छा आ सके। कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड्स को हमने अंदर की तरफ से फोल्ड करा है कुछ इस तरीके से। ये हमारा दोनों साइड से फोल्ड हो गया है। अब हमें ये ऊपर से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसे कट कर देंगे। अगर आपको लगे आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो आप कट मत कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो इस वजह से मैं सीधा रियल से इसे कट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। और ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसे पंच मशीन से पंच करेंगे कुछ इस तरीके से, हम इसे पंच कर लेंगे। ये हमारा पंच हो गया है, ये कुछ इस तरीके से हमारा पंच हुआ है। ताकि अब हमें अब ब्लैक डोरी लेनी है। अब हमें ब्लैक डोरी जाते हमने पंच वाले सुराख किए थे वहां से इसे लेके जानी है और कुछ इस तरीके से बांध देना है।
हमने कुछ इस तरीके से इसकी घीटा बांध देनी है जैसा कि हम आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, ताकि ये निकले नहीं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड से भी डाल रहे हैं। अब हम इसकी भी घीटा कर देंगे। ये भी पूरा साइज का होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी डाल दिया जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। अब हमारी शॉपिंग बैग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब हमें चाहिए ब्लैक कार्डबोर्ड पेपर का आधा हिस्सा, उसे हमने गोल बना लेना है किसी भी चीज़ से। अब हमने गोल बनाने के बाद सीजर की मदद से काट देना है कुछ इस तरीके से। हमारे पास दो गोल्स होंगे। अब जो हमारे शॉपिंग बैग है उसके ऊपर हमें ग्लू की हेल्प से चिपकाना है, ताकि हमारे मिकी माउस के कान बन सके कुछ इस तरीके से। हमें दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से इसे चिपका देना है ग्लू की हेल्प से। ये हमारे मिक्की माउस के कान बिल्कुल पेस्ट हो गए हैं अच्छी तरीके से, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें चाहिए रेड कंप्यूटर पेपर। अब हम इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। आधा पेपर हमें चाहिए कुछ इस तरीके से कट करने का, और आधा इसे फोल्ड करने के बाद हम इस पे ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे वो है स्कर्ट, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। अब हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब हमारे ये स्कर्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम कुछ इस तरीके से, अब हमें चाहिए वाइट चीट कंप्यूटर पेपर, उसे हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। हम हमने मिक्की माउस के हैंड ड्रॉ कर लेंगे वाइट चीट पेपर पर कुछ इस तरीके से। अब हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये हमारे टू हैंड्स कट हो जाएंगे। ये हमारे दोनों हैंड्स कट हो गए हैं। अब हमने जो इसकी बीच में लेयर्स बनाई थी उसे भी हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। ये हमारे टू हैंड्स कट हो गए हैं। अब हमें चाहिए शूज के लिए, हमें चाहिए बिल्कुल पतली सी लेयर्स चाहिए हमें येलो शीट पेपर की, और इस पे हम उसके शूज ड्रो करके सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों शूज ड्रो हो गए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से। अब हमारे ये दोनों शूज कट हो गए हैं। ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से शूज कट कर लेंगे, ताकि हमारे शूज का बिल्कुल अच्छा शेप आए। इसी तरीके से हम दूसरा शूज भी कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों शूज आ गए, कट हो गए हैं। अब हमारा जो स्कर्ट था उसे शॉपिंग बैग पे अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे ग्लू की हेल्प से। कानों के थोड़े से नीचे हम इसे पेस्ट कर देंगे ग्लू की हेल्प से, और स्कर्ट के बराबर में हमें दोनों हैंड ड्रॉ करने हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये हमने स्कर्ट को पेस्ट कर दिया है ग्लू की हेल्प से, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें पेस्ट करना है। अब हमें हैंड पेस्ट करेंगे दूसरी साइड कुछ इस तरीके से। ये भी हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट करेंगे, ताकि ये शॉपिंग बैग हमारा बिल्कुल अच्छा बन सके मिक्की एंड मिनी माउस वाला। और ये हमने इसका एक हाथ चिपका लिया है। अब हमने इसका एक हाथ चिपका लिया है।
अच्छे तरीके से चिपकाइएगा ताकि आपका निकले नहीं। और ये हमने दूसरा हाथ भी चिपका लिया है, अब हम चिपकाएंगे इसके शूज को जिस तरीके से ग्लू की हेल्प से। हमने ये पहला शूज चिपका दिया है, अब दूसरे शूज की पारी है। अब हम ग्लू की हेल्प से दूसरा शूज भी लगा लिया है हमने। अब हम इसके जो हमने कान बनाए थे उसके बिल्कुल बराबर में सेंटर में इसका हेयर बैंड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारी मिनी माउस का हेयर बैंड बन गया है। और अब हम इसे, ये हमने रेड कंप्यूटर पेपर का बनाया है, अब हम इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। इसे कुछ इस तरीके से ग्लू की हेल्प से आप पेस्ट कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि ये हमारा निकले नहीं। अब हमें चाहिए वाइट शीट पेपर, उसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें एक क्वीन चाहिए, उसको हम पेंसिल की हेल्प से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक क्वीन की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे ऐसे ही, हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए, ऐसे ही हम सबको क्वीन ड्रॉ करके फिर हम कट कर देंगे चाहिए। और फिर ये हमने कट कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे, जो हमने स्कर्ट पेस्ट किया था अपना, उसी पे हम एक एक क्वीन के शेप को पेस्ट करते। आई होप आपको समझ में आ गया हो, समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और ये हमारा मिक्की माउस शॉपिंग बैग बिल्कुल रेडी है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।